वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। स्वागत है आपका नेक्स्ट डोज के एक और प्रेस एपिसोड में, जहां हम डिस्कस करते हैं देश दुनिया के सभी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपसे आगे आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आजकल करंट अफेयर्स का वेटेज हर कम्पिटिटिव एग्जाम में बढ़ गया है, चाहे वो एग्जाम SSC का हो, बैंक का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में करंट अफेयर्स के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसीलिए हम डेली करंट अफेयर्स का ये वीडियो लेके आते हैं। आज है 18 अप्रैल 2018, तो 18 अप्रैल 2018 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें और इसी वीडियो से मैं लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब का निशान दिख रहा होगा, आप उस बटन पर क्लिक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बराबर में घंटी का निशान बन के आएगा, आप उस निशान पर भी क्लिक कर लें, जिससे कि जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। पहला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने वर्ष 2018-19 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आगे आने वाले किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये देखने को मिलेगा। तो वर्ल्ड बैंक ने 2018-19 के लिए भारत की विकास दर 7.3% रहने का अनुमान लगाया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? 7.3%। अब इस क्वेश्चन में आया है वर्ल्ड बैंक का नाम, तो थोड़ा सा वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1945 में। ये आप याद रखिए, कई बार ये भी पूछ लेता है कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1945 में, यानी कि अभी से 72 साल पहले वर्ल्ड बैंक की स्थापना हो गई थी। और दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है कि वर्ल्ड बैंक के अभी प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन हैं। तो वर्ल्ड बैंक के अभी प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं जिम योंग किम। कौन है? जिम योंग किम। वर्ल्ड बैंक के अभी प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं जिम योंग किम। और एक और आपको चीज पता होनी चाहिए कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यानी कि मुख्यालय कहाँ पे है। सबसे इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है Washington DC में। कहाँ पे है? Washington DC में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार कम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा गया है कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये है Washington DC में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं, ये सभी आप याद रखिए। जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ उसे आप नोट कर लिया करो। अगर आप भूल जाते हो या अगर आप कोशिश करते हो कि शायद आप भूल सकते हो, तो उसे आप नोट कर लिया करो। जो भी मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ उसे आप नोट कर लिया करो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी कि PMGSY, कई बार इसे शॉर्ट में PMGSY लिख देता है। हाल ही में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लक्ष्य को 2022 से घटाकर कितना कर दिया गया है? अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लक्ष्य को 2022 से घटाकर कर दिया है 2019, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर है सही 2019, यानी कि डी ऑप्शन। अब इसमें बात आई है PMGSY यानी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई थी, यानी कि ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसकी शुरुआत कब हुई। इसकी शुरुआत हुई थी सन 2000 में, ये आप याद रखो। PMGSY यानी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई थी 2000 में, सन 2000 में, और इसका लक्ष्य था 2022, तो अब इसके घटाकर कर दिया गया है 2019। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिभा के लिए सबसे ज्यादा भुगतान करने वाला कौन सा शहर बन गया है? ये एक कंपनी है रेड स्टैंड इंडिया, इसने रेड स्टैंड इनसाइट के नाम से ये सर्वे किया है और इसने ये एक टर्म दी है CTC। इसने सभी शहरों के लिए, जो बड़े बड़े शहर हैं उसके लिए CTC निकाला है। अब ये CTC का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कंपनी। इसने अलग अलग शहरों के लिए CTC निकाला तो पाया बेंगलुरु का CTC है 11 लाख, वहीं पुणे का CTC कितना है? पुणे का CTC है 10 लाख और दिल्ली का CTC है 9 लाख। ये टॉप 3 निकाले हैं।
तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, भारत में प्रतिभा के लिए सबसे ज्यादा भुगतान करने वाला कौन सा शहर बन गया है, तो ये बन गया है बेंगलुरु। सबसे ज्यादा सीटीसी आया है बेंगलुरु का, तो प्रतिभा के लिए सबसे ज्यादा भुगतान करने वाला कौन सा शहर बन गया है, बेंगलुरु। तो ये अब यहाँ पे बात आई है बेंगलुरु की, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा बेंगलुरु के बारे में जान लीजिए। बेंगलुरु से एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2000 पूरे 2018 के लिए, पूरे 2018 में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको रिपीट होता हुआ दिखेगा। ये क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में इंडिया का कौन सा ऐसा पहला शहर बन गया है जिसने अपना ऑफिशियल लोगो लॉन्च कर दिया है, तो ये बेंगलुरु ही है जिसने अपना ऑफिशियल लोगो लॉन्च कर दिया है। इंडिया का पहला सिटी बन गया है, पहला सिटी इंडिया का जिसने अपना ऑफिशियल लोगो लॉन्च कर दिया है। जैसे सर हर चीज का लोगो होता है ना, वैसे ही बेंगलुरु सिटी ने अपना ऑफिशियल लोगो लॉन्च कर दिया है। अब इस लोगो में है क्या, इस लोगो में बेंगलुरु ही लिखा हुआ है लेकिन इंग्लिश और कन्नड़ ये दो भाषाओं में बेंगलुरु लिखा हुआ है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि बेंगलुरु ने जो अपना ऑफिशियल लोगो लॉन्च किया है उसमें किन दो भाषाओं का यूज किया गया है, तो आप याद रखें इंग्लिश और कन्नड़। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में एनसीसी के नए महानिदेशक बने हैं। हाल ही में एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं, ये बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल पीपी मल्होत्रा। कौन बने हैं, लेफ्टिनेंट जनरल पीपी मल्होत्रा। अब बात आई है एनसीसी की, तो आपको एनसीसी के बारे में पता होना चाहिए। पहले तो आपको एनसीसी की फुल फॉर्म ही पता होनी चाहिए। एनसीसी की फुल फॉर्म होती है नेशनल कैडेट कोर। क्या होती है एनसीसी की फुल फॉर्म, नेशनल कैडेट कोर, इसे आप नोट कर लीजिए। कई बार एनसीसी की फुल फॉर्म ही पूछ लेता है, बेसिक, बिल्कुल बेसिक कि एनसीसी की फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल कैडेट कोर, ये तो है एनसीसी की फुल फॉर्म। और दूसरा एनसीसी से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि एनसीसी की स्थापना कब हुई, तो एनसीसी की स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1948 को। कब हुई थी एनसीसी की स्थापना, 16 अप्रैल 1948 को। और तीसरा एनसीसी क्वेश्चन ये बन सकता है कि एनसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो एनसीसी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इतना आपको एनसीसी के बारे में पता होना चाहिए। जितना भी मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ ये सब आप नोट कर लिया करो। हर क्वेश्चन को हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हर क्वेश्चन से ज़्यादा नॉलेज आपको मिल सके ये हमारी कोशिश है। तो इसमें एनसीसी के बारे में मैंने आपको बताया, ये सब आप नोट कर लीजिए। और इसमें मैंने ऑप्शन ऐसे रखे हैं कि इन ऑप्शन से भी कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। ये तीन नाम मैंने जो लिखे हैं, जनरल बिपिन रावत, एडमिरल सुनील लांबा और बीएस धनोआ, ये तीनों पहले जो जनरल बिपिन रावत हैं ये थल सेना अध्यक्ष हैं, एडमिरल सुनील लांबा जल सेना अध्यक्ष हैं और बीएस धनोआ वायुसेना अध्यक्ष हैं। इन तीनों के नाम आप याद कर लीजिए, जनरल बिपिन रावत थल सेना अध्यक्ष, एडमिरल सुनील लांबा जल सेना अध्यक्ष और बीएस धनोआ वायुसेना अध्यक्ष, तो ये आप नोट कर लीजिए। इसी तरह हम कोशिश कर रहे हैं हर क्वेश्चन से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व हीमोफिलिया दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हीमोफिलिया दिवस मनाया गया है 17 अप्रैल को, और ये 17 अप्रैल को ही मनाया जाता है। अब ये विश्व हीमोफिलिया दिवस यानी कि वर्ल्ड हीमोफिलिक डे 17 अप्रैल को मनाया जाता है। 17 अप्रैल 2018 को जो विश्व हीमोफिलिया दिवस मनाया गया है उसकी थीम आपसे पूछी जा सकती है, यानी कि जो 2018 में विश्व हीमोफिलिया दिवस मनाया गया है उसकी थीम क्या है, तो उसकी थीम आप याद कर लो। उसकी थीम है शेयरिंग नॉलेज मेक्स अस स्ट्रोंगर। क्या है इसकी थीम, शेयरिंग नॉलेज मेक्स अस स्ट्रोंगर। ये 2018 के विश्व हीमोफिलिया दिवस की थीम है। और इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, विश्व हीमोफिलिया दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 17 अप्रैल को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर तो हो गया बी ऑप्शन, लेकिन आपको 2018 में जो विश्व हीमोफिलिया दिवस मनाया गया है उसकी थीम पता होनी चाहिए। अब इसके ऑप्शन को भी मैंने कुछ ऐसा डिजाइन किया है जिससे कि आपको कुछ जानकारी मिल सके। ये जो फर्स्ट नंबर पर लिखा है 7 अप्रैल, अब 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, इसे आप नोट कर लीजिए। 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। एक ये ऑप्शन रखा है 18 अप्रैल, 18 अप्रैल यानी कि आज का दिन, आज 18 अप्रैल ही है,
18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व विरासत दिवस। तो ये भी आप याद रखिए, 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस। और एक ये ऑप्शन रखा है 22 अप्रैल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत रिपीट होता है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व अर्थ डे, यानी कि अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को, ERTHDAY। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर क्वेश्चन से आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। बस आपको क्या करना है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे आप अपने ग्रुप्स में शेयर जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने फेसबुक ग्रुप, जहां भी आप शेयर कर सकते हो, बस इस वीडियो को शेयर जरूर करना। हम आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छी इंफॉर्मेशन लेकर आएंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में कॉमनवेल्थ शासनाध्यक्षों की बैठक 2018 की शुरुआत हो गई है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, यूके, इराक। तो ये शुरुआत हुई है यूके में, यानी कि ब्रिटेन में कॉमनवेल्थ शासनाध्यक्षों की बैठक 2018 की शुरुआत हुई है यूके में, यानी कि ब्रिटेन में हुई है। और यहाँ पे ही पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री गए हुए हैं नरेंद्र मोदी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलनी चाहिए, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए कि कॉमनवेल्थ शासनाध्यक्षों की बैठक 2018 कहाँ पे शुरू हुई है, ये हुई है यूके यानी कि ब्रिटेन में, और यहीं पे पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री गए हुए हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018 के लिए घोषित पुलित्जर पुरस्कारों में किस समाचार पत्र को सर्वश्रेष्ठ जर्नलिज्म अवार्ड प्रदान किया गया है? क्या पूछा है, सर्वश्रेष्ठ जर्नलिज्म अवार्ड प्रदान किया गया है, पुलित्जर अवार्ड। पुलित्जर अवार्ड में 2018 के जो पुलित्जर अवार्ड हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ जर्नलिज्म अवार्ड मिला है न्यूयॉर्क टाइम्स को। किसको मिला है, न्यूयॉर्क टाइम्स को। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन। अब ये पुलित्जर अवार्ड के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए, न्यूयॉर्क के कोलंबिया सिटी में पुलित्जर अवार्ड की घोषणा की गई है। 2018 के पुलित्जर अवार्ड की घोषणा न्यूयॉर्क के कोलंबिया सिटी में की गई है। कब की गई है, 16 अप्रैल को ये घोषणा की गई है, 16 अप्रैल 2018 को न्यूयॉर्क के कोलंबिया सिटी में ये पुलित्जर अवार्ड डिक्लेयर किए गए हैं, और इन्हीं में सर्वश्रेष्ठ जर्नलिज्म अवार्ड मिला है न्यूयॉर्क टाइम्स को। किसको मिला है, न्यूयॉर्क टाइम्स को। अब ये पुलित्जर अवार्ड की बात आई है तो पहले तो इस पुलित्जर का सही प्रोनाउंसिएशन आपको पता होना चाहिए, इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, पुलित्जर का। इसका सही प्रोनाउंसिएशन अगर आप करना चाहेंगे तो पुल इट सर, पुल इट सर, इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है, सही उच्चारण, पुल इट सर। लेकिन इसको क्या लिखा जाता है, पुलित्जर। तो ये पुलित्जर अवार्ड 2018, ठीक है, इसमें सर्वश्रेष्ठ जर्नलिज्म अवार्ड का किसे मिला है, न्यूयॉर्क टाइम्स को। अब ये पुलित्जर अवार्ड की शुरुआत कब हुई, ये तो आपको मिनिमम पता होना चाहिए। पुलित्जर अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1917 में, कब हुई थी, 1917 में। और ये थे एक यूसुफ पुलित्जर, यूसुफ पुलित्जर, इन्हीं के नाम पे ये पुलित्जर अवार्ड की घोषणा की गई, इन्हीं के नाम पे इस अवार्ड का नाम रखा गया है पुलित्जर अवार्ड। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पुलित्जर अवार्ड का नाम, पुलित्जर अवार्ड किसके नाम पे रखा गया, तो आप याद रखिए यूसुफ पुलित्जर। जैसे नोबल अवार्ड का नाम, नोबल पुरस्कार का नाम अल्फ्रेड नोबल के नाम से रखा गया है, वैसे ही पुलित्जर अवार्ड का नाम यूसुफ पुलित्जर के नाम पे रखा गया है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने किस देश की सीमा में 72 घंटे के भीतर 5,000 से अधिक उड़ानें भरी हैं? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने 72 घंटे के अंदर 5,000 से अधिक उड़ानें भरी हैं पाकिस्तान की सीमा में, क्योंकि ये उड़ानें भरी हैं पाकिस्तान की सीमा में, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो ये आप याद रखिए। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित अब तक के सबसे बड़े युद्धाभ्यास का नाम क्या है? ये युद्धाभ्यास अभी चल रहा है, इसका नाम है गगन शक्ति 2018, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन, गगन शक्ति 2018।
2018 भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है और ये अभी चल रहा है। और कहाँ पे चल रहा है ये आपको पता होना चाहिए, राजस्थान के जैसलमेर जिले के पास में एक जगह है पोखरण। आपने पोखरण का नाम जरूर सुना होगा, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे पोखरण, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे पोखरण बहुत चर्चा में रहा था। तो राजस्थान के जैसलमेर जिले के पास में एक जगह है पोखरण, पोखरण तो पोखरण फायरिंग रेंज में ये गगन शक्ति 2018 चल रहा है, भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है ये। ये कहाँ पे चल रहा है, पोखरण फायरिंग रेंज में, भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास, ये पाकिस्तान की बॉर्डर से लगा हुआ है, ठीक है। तो कहाँ पे चल रहा है, पोखरण में। पोखरण कहाँ पे है, राजस्थान के जैसलमेर जिले के पास में। और ये युद्धाभ्यास चलेगा 22 अप्रैल तक। कब तक चलेगा, 22 अप्रैल 2018 तक चलेगा ये, इतना आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शिक्षण संस्थान द्वारा किए गए शोध से पता चला है कि सिंधु घाटी का अंत 900 वर्ष के सूखे के कारण हुआ था। आपने सिंधु घाटी के बारे में पढ़ा होगा, सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन ये अभी हाल ही में रिसर्च किया है IIT खड़गपुर ने और ये पाया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का अंत 900 वर्ष के सूखे के कारण हुआ था। कितने वर्ष के सूखे के कारण, 900 वर्ष के सूखे के कारण। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि किस शिक्षण संस्थान द्वारा किए गए शोध से ये पता चला है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत 900 वर्ष के सूखे के कारण हुआ। तो ये IIT खड़गपुर ने ये रिसर्च किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए ऑप्शन। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए एक्सोप्लेनेट हंटिंग टेलीस्कोप का नाम क्या है। एक्सोप्लेनेट हंटिंग टेलीस्कोप का नाम पूछा गया है, तो इसका नाम है TESS। क्या नाम है इसका, TESS। नासा द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए एक्सोप्लेनेट हंटिंग टेलीस्कोप का नाम है TESS। अब ये TESS है क्या, ये सौरमंडल के बाहर के ग्रह हैं, जो सौरमंडल के बाहर के जो ग्रह हैं उन पर जीवन की खोज करने के लिए ये एक सैटेलाइट भेजा गया है, इसका नाम है TESS। अब ये TESS, इसका नाम तो आपने पढ़ लिया, लेकिन आपको TESS की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। TESS की फुल फॉर्म है द ट्रांजिटिंग एक्सोप्लेनेट सर्वे सैटेलाइट। क्या है इसकी फुल फॉर्म, द ट्रांजिटिंग एक्सोप्लेनेट सर्वे सैटेलाइट, इसकी फुल फॉर्म है, इसे आप नोट कर लीजिए। TESS की फुल फॉर्म क्या है, द ट्रांजिटिंग एक्सोप्लेनेट सर्वे सैटेलाइट। तो नासा द्वारा सौरमंडल के बाहर के ग्रहों पर जीवन की खोज करने के लिए ये एक सैटेलाइट भेजा गया है, इसका नाम है TESS, द ट्रांजिटिंग एक्सोप्लेनेट सर्वे सैटेलाइट। अब यहाँ पे बात आई है नासा की, तो आपको नासा के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको सबसे बेसिक क्वेश्चन, नासा की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। नासा की फुल फॉर्म है द नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसे आप नोट करिए। नासा की फुल फॉर्म पूछी जाती है, नासा की फुल फॉर्म क्या है, द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है कि नासा का स्थापना कब हुई, यानी कि नासा का फाउंडेशन डे कौन सा है। तो नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई, कब, 29 जुलाई 1958 को, ये 29 जुलाई 1958 को हुई थी नासा की स्थापना। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है कि नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो नासा का भी हेडक्वार्टर है Washington DC में, तो नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, Washington DC में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने राष्ट्रीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद शहजाद पर पाकिस्तान में लोकल टूर्नामेंट खेलने को लेकर करीब कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अफगानिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज हैं मोहम्मद शहजाद, इन्होंने पाकिस्तान में एक लोकल टूर्नामेंट खेल लिया, इसीलिए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन पर 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख का जुर्माना लगाया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, सी ऑप्शन। तो
तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर जरूर करना। अब लास्ट वीडियो मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था उसका मैं आंसर बताऊंगा, उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि कॉमनवेल्थ गेम्स कितने समय के अंतराल पे होते हैं, तो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं 4 वर्ष के अंतराल पे, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। लगभग सभी लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया है, यानी कि सभी लोगों ने, जितने भी लोगों ने आंसर दिया, सबका आंसर सही था। अब इस वीडियो का आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन क्या है ये आप देख लीजिए। क्वेश्चन फॉर यू, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, टोक्यो, जकार्ता, वाशिंगटन डीसी या बीजिंग। आपको बताना है वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में घंटी का निशान बन के आएगा, आप उस निशान पर भी क्लिक कर लें। घंटी के निशान पर क्लिक करने का फायदा यह है जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी कंफ्यूजन होता है, तो आप मेरे पर्सनल फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर इंद्रिय सारसी सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो अब जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है उसका आंसर बताओ और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।